उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुलने जा रहे प्राथमिक स्कूलों के लिए SOP जारी, केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे स्कूल। मिड डे मील को लेकर व्यवस्था में किया गया बदलाव। गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन, आज बप्पा की मूर्ति का किया जा रहा है विसर्जन। गणपति विसर्जन के पहले मुंबई पुलिस ने पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा है अंबिका सोनी का नाम सबसे आगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंबिका सोनी ने मुख्यमंत्री बनने से किया इनकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेश किया 4.5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा यूपी के इतिहास में ये एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 4.5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा यूपी में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत काम किए। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है। सरकार और संगठन के सामूहिक प्रयास से काम किए गए हैं। इस सरकार की सफलता में केंद्रीय नेतृत्व के निरंतर सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के इतिहास में ये एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। ये वही यूपी है जहां माफिया सत्ता के करीब रहते थे। साल 2012 से 17 के दौरान पिछली सरकार में हर 30 से 34 दिन दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, साथ ही अपराधियों के अवैध निर्माण को भी गिराया गया। उन्होंने आगे कहा कि पहले सीएम अपने आवास बनाने के लिए बनते थे, खुद के लिए हवेली और मकान बनाने के में मुकाबला होता था। हम लोगों ने अपने आवास नहीं बनवाए बल्कि गरीबों को 42 लाख आवास दिए हैं, यही सुशासन है। और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा आपको भी चलिए सुना देते हैं। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी, मुख्यमंत्री बनते थे अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया, यही तो सुशासन है। जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना, और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की, इस नए उत्तर प्रदेश की है। आपने उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखा होगा कि कोई आपदा आती थी, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे, इस योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करते, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके, 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। DBT के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर
रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा, देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्यपद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है, जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में इस ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वहां इज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई और वह निवेश भी हमारे यहाँ कहाँ से आया था, चीन से आया था। उत्तराखंड में कोविड-19 की वजह से पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से बंद चल रहे कक्षा 1 से 5वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल 21 सितंबर से खुल जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को इसके निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं और जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री से बात करने के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बता दें स्कूलों को बंद किए जाने के बाद पहले माध्यमिक विद्यालयों को और उसके बाद जूनियर हाई स्कूलों को खोल दिया गया था, लेकिन प्रदेश के कक्षा 1 से 5वीं तक के और निजी सभी स्कूल अभी भी बंद हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक देश और प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, परिस्थितियां भी सामान्य हुई हैं, लेकिन कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल खुलने के दौरान SOP का पालन किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल खुलने के बावजूद बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर किसी तरह का नहीं होगा। तो ऐसे में अब उत्तराखंड में 21 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, उसके लिए SOP भी जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये जानकारी दी गई है। साथ ही SOP का पालन करने का सभी स्कूलों को कहा गया है कि SOP का सभी स्कूलों को पालन करना होगा। तो बता दें उत्तराखंड में बीते काफ़ी समय से कोरोना की वजह से स्कूल जो बंद चल रहे थे उन्हें पहले बता दें कि बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन अब प्राइमरी क्लासेस के लिए भी स्कूल 21 सितंबर से यानी कि मंगलवार से खुलने वाले हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। SOP जारी कर दी गई है और कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल अब खोल दिए जाएंगे। हालांकि तमाम बदलाव किए गए हैं, तमाम कोरोना गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और ऐसे में अभिभावकों पर भी कोई दबाव नहीं रहेगा कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं।
हैं। साथ ही बता दें कि दोनों विकल्प भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, ऑनलाइन कक्षाएं और ऑफलाइन कक्षाएं। अगर जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते वो घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई भी स्कूलों से कर सकेंगे, जबकि जो बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें स्कूलों में भी भेजा जाएगा। बता दें बीते कई महीनों से कोरोना के संक्रमण की वजह से स्कूल बंद चल रहे थे, हालांकि अब देश भर में कोरोना के मामले जब कम होने लगे, रफ्तार जब कोरोना की कम होने लगी, तो उसको देखते हुए ये स्कूल जो है अब खोलने का फैसला लिया गया है। तमाम प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, स्कूलों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाएगा, मास्क पहनाया जाएगा, मास्क पहनकर ही बच्चों को इजाज़त स्कूल में दी जाएगी। हालांकि अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही की गई है, बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा ताकि किसी भी तरह के संक्रमण या फिर बीमारी बच्चों में ना फैले। ऐसे में मास्क भी अनिवार्य रहेगा, टीचर्स को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी जानकारी दी गई है कि SOP का पालन कराना बेहद ज़रूरी है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इंतजार रजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, अब 21 सितंबर से स्कूल प्राइमरी खुलने वाले हैं उत्तराखंड में, SOP जारी कर दी गई है, क्या कुछ SOP में कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कोरोना जो महामारी के चलते स्कूलों को बंद किया गया था तो उन्हीं को 21 सितंबर से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। और जो SOP है कोरोना बचाव के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सभी बच्चों को मास्क वगैरह और जो भी अन्य सुरक्षा सुविधाएं हैं सभी को स्कूल में व्यवस्था जो स्कूल प्रबंधन को करनी होगी, ये SOP जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई, जिसके चलते जो माध्यमिक स्कूल है 1 से 5 तक के स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। जी जी बिल्कुल, इंतजार देखिए, स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है, SOP जारी कर दी गई है। अब कोरोना के मामले बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन अगर वायरल फीवर डेंगू की बात की जाए तो ऐसे समय में, बारिश का ये मौसम है, ऐसे समय में ये बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, तो चुनौती काफ़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ऐसे में उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मास्क पहनाना और बार बार सैनिटाइजर कराना ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा विभाग है उत्तराखंड सरकार के जो आदेश जारी किए गए हैं कि शिक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को खोला जाना, तो इसमें शिक्षा विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग को सम्मिलित किया गया है ताकि जो सुरक्षा सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के जो सुरक्षा विभाग है वो हर एक जिले में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, इसी के लिए कि अन्य जो सुविधाएं हैं बच्चों के साथ जो भी व्यवस्थाएं रहती है सुरक्षा को लेकर के वो सब स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर के शिक्षा विभाग के जो समितियां हैं उनको ये स्कूल खोलने होंगे और जो सरकार की SOP है उसको लागू करना होगा सभी स्कूलों में। जी बिल्कुल इंतजार, और अगर मिड डे मील की बात की जाए तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो टाइमिंग है स्कूल की, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ बुलाया जाना तो ये भी एक चुनौती होगा स्कूल प्रबंधन के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए क्वार्टरली सभी को लगभग स्कूलों के जो प्रबंधक है उनको आदेशित किया गया है कि किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ताकि सभी बच्चे एक ही बार स्कूल ना करके और बारी बारी से सभी को क्लास अटेंड करनी होगी, तो उसी के अनुसार प्रबंधन का भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल इंतजार, अगर अभिभावकों की बात कर ली जाए तो अभिभावक क्या स्कूल खुलने के हक में है, क्योंकि देखिए उसे उत्तराखंड ही नहीं तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, और बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं थे, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि स्कूल अभी खुले, क्योंकि देखिए बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं दी गई है, ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, लगातार तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड में जो अभिभावक है उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, जो कोरोना महामारी के चलते जो रोजगार का संकट था या जो अन्य बेरोजगारी या अन्य जो असुविधाएं लोगों के सामने आई हैं, तो सभी जूझ रहे हैं उस चीज से, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो शिक्षा का क्षेत्र है इसको भी काफी पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, तो क्योंकि जब से लॉकडाउन लगाया अभी तक स्कूल कॉलेजेस जो भी है सभी शिक्षा क्षेत्र में बच्चे पिछड़ चुके हैं, और सभी बच्चों के लिए एकदम जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनको अटेंड कर पाना संभव नहीं था, लेकिन कुछ अभिभावक हैं जो इस चीज को लेकर के चिंतित है कि स्कूल को नहीं खोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर शिक्षा जो है वो इस चीज से बच्चे पिछड़ जाएंगे और जो कुछ उससे हटेंगे तो दोबारा उस पटरी पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसी के चलते अभिभावकों को भी ध्यान रखना होगा कि जो स्कूल खोले गए हैं और छोटे बच्चे हैं उनको जो SOP है, घरों में जो चीजें हैं, स्कूल की जो चीजें हैं वो सब उनको मुहैया कराएं, और जहां तक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य प्रधान है वो अलर्ट है, हर कॉलेजों में अटेंड किए गए हैं
अधिकारी, ताकि स्कूलों में जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। जी जी बिल्कुल, इंतजार यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि स्कूल की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाएंगी, अगर जो बच्चे स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आना जाना चाहते हैं तो वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि देखिए कई जगहों पर अभी ये सुविधा नहीं दी जा रही है कि कहा जा रहा है अभिभावकों से कि वही अपने बच्चों को खुद लेकर स्कूल आए और खुद वापस लेकर आए, तो क्या उत्तराखंड में ये सुविधा बच्चों को दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, जो दूर दराज के स्कूल कॉलेजेस हैं तो सभी के लिए बसेज वैन जो भी गाड़ियां स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने में लगाई गई हैं, तो अभी फिलहाल उस जिस तरीके से पहले से बच्चों को ले जाया जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान में रखते हुए, उतने बच्चों को एक ही बार बसों में या अन्य व्हीकल में ले जाना बड़ा मुश्किल होगा, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी जो स्कूल प्रबंधन है वो चेतावित कर रहा है, आदेशित कर रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि जो नजदीक के बच्चे हैं तो अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने आए और लेके जाए, ताकि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो भी बढ़ता रहे और बच्चों के भविष्य के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ ना हो। जी जी बिल्कुल, इंतजार। चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, ऐसे में अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं है। स्कूल में अगर अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और नहीं भेजना चाहते तो भी वो घर पर रख कर अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं। हालांकि 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने वाले हैं, 21 सितंबर से इसके लिए SOP जारी कर दी गई है। सभी स्कूलों को कह दिया गया है कि आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, और उसके बाद ही स्कूल खुलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं 1 से 5वीं तक के स्कूल अब खुलने वाले हैं तो कोरोना के प्रोटोकॉल्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, स्कूल में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाएगा। हालाँकि अभी से सैनिटाइज स्कूल कराए जा रहे हैं ताकि बच्चे जब आएँ किसी तरह की कोई बीमारी या कोई परेशानी ना हो, मास्क पहनकर ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। तमाम चीजें ऐसी हैं जो स्कूल खुलने पर बच्चों को फॉलो कराई जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर ली जाए तो उसी हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट कराया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन हो सके, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भी 2 पालियों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि एक साथ ज्यादा भीड़ इकट्ठा स्कूल में ना हो सके। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के तिलोही के टोडपुर जमुरवा गांव पहुंची और दीवार गिरने से मृत बच्चों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि इसी गांव में कुछ दिन पहले भारी बारिश की वजह से कच्ची दीवार गिरने से 3 बच्चों की जान चली गई थी, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहां आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने घायल बच्चों का हाल चाल भी जाना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अमेठी में स्मृति ईरानी पहुंची है, टोडरपुर जमुरवा गांव वो पहुंची है, जहां पर बीते कुछ दिनों पहले भारी बारिश होने की वजह से दीवार गिरने से बच्चों की जान चली गई थी। उन परिवार से स्मृति ईरानी मिली, हर संभव मदद देने का उन्होंने आश्वासन भी परिवार को दिया है। फिरोजाबाद में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार यादव ने शनिवार को सुनाए गए अपने फैसले में नाबालिग 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी वीरेंद्र बघेल को सजाए मौत की सजा सुना दी है। न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त वीरेंद्र बघेल को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसका दम ना निकल जाए। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कमल सिंह ने बताया कि 2 साल पहले थाना लाइनपुर में 25 अप्रैल 2019 को वीरेंद्र बघेल निवासी संत नगर थाना लाइन पार एक 11 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म कर बच्ची की हत्या कर दी थी। बाद में मामले में न्यायालय में 11 गवाहों ने गवाही दी थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को की सजा सुना दी है। जनपद के न्याय के मंदिर में खड़े हैं तो उस मंदिर से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव फौजदार साहब के नेतृत्व में पूरे जनपद की जो अपराध की फाइलों का विचारण चल रहा है, उसी पृष्ठभूमि में आज पॉक्सो फर्स्ट श्रीमान अरविंद यादव साहब के जो जज साहब हैं उन्होंने बृहद एक ऑर्डर किया है फांसी का, जिसमें नाबालिग बच्ची का रेप किया उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो सबसे पहले वो बधाई के पात्र हैं और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और ज़िले की पुलिस और सारे उत्तर प्रदेश के प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन है, प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष है, उसको भी बधाई देना चाहता हूँ
इन्होंने और कमल सिंह जी जो ADGC हैं इस कोर्ट में, उनको विशेष रूप से बधाई दूंगा। ये घटना एक 10 साल की बच्ची के साथ हुई थी 25/4/2019 को। इसमें अभियुक्त वीरेंद्र बघेल पुत्र हरिराम निवासी संतरंगा थाना लाइनपा थाने घटना है ये। तो इसमें 10 साल की बच्ची को वो बेला फुसला के खंडर में ले गया और उसने उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर उसका रेप किया। रेप करने के बाद वो बच्ची चिल्लाई तो उसने उसका ईंटों से मांस कुचल के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पुनः रेप किया। ये मुकदमा माननीय न्यायालय FTC कोर्ट फर्स्ट श्री अरविंद कुमार यादव जज साहब के यहाँ हुआ, उसमें सुनवाई हुई। प्रोसिक्यूशन तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। इसमें आज जज साहब ने उसमें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है और ये तक लिख दिया है कि अभियुक्त को फांसी के फंदे में इतना लटकाया जाए जब तक इसकी दम न निकल जाए। तो बता दें फिरोजाबाद का पूरा मामला है जहां पर 2 साल पहले दुष्कर्म किया गया था 11 साल की बच्ची के साथ। हालांकि आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या भी कर दी थी ईंट से उसे मारकर। उसके बाद अब 2 साल बाद आरोपी को सजा सुना दी गई है और सजाए मौत उसे सजा सुनाई गई है। चलिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, जिस तरह से 2 साल पुराना ये मामला है, अब आरोपी को मौत की सजा सुना दी गई है, क्या कुछ और अपडेट है? ये बताना चाहूंगा कि ये 2 साल पूर्व का मामला है थाना लायनपा क्षेत्र में, जो कि रविंद्र नामक युवक था, उसने नाबालिग बच्ची के साथ अन्य थाना क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ जी बलात्कार किया की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद में बच्ची की मौत हो गई थी, तो जिसके तहत परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसमें पुलिस ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद और जो कि बैरोकारी और काफी गवाहों की मौजूदगी दर्ज कराई थी, उसमें जो 11 लोगों ने आरोपी के खिलाफ जो है गवाही दी थी, जिसमें आज जो है पॉस्को एक्ट के तहत उसको जो कि जज है न्यायाधीश, उन्होंने आज अरविंद नामक जज ने आज उनको फांसी की सजा सुनाई है। बिल्कुल किशन, जिस तरह से देखिए बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जहां पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। बहुत सारे मामले तो ऐसे होते हैं कि जिनमें सालों साल केस जो है वो चलता रहता है, लेकिन इस मामले में 2 साल ही लगे और ऐसे में फांसी की सजा सुना दी गई। परिवार बेहद ही शायद खुश होगा आज, क्योंकि भले ही उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो वो चाहते थे न्याय, वो चाहते थे न्याय, उन्हें जरूर आज मिल गया है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा था, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कि गवर्नमेंट द्वारा इसीलिए बैठाया गया इसमें जो है जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, उसी के तहत ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चला था और जिसमें पुलिस ने भी काफी पैरोकारी की थी और जो कि दोषी को सजा दिलाने में, और आज जो 2 साल बाद जो दोषी को फांसी की सजा हुई है उसको परिवारी जनों का काफी उनको संतुष्टि मिली है, जो कि उनके 2 साल की बच्ची के बलात्कार के बाद में मौत हो गई थी, तो उस संबंध में जो है काफी उनको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल किशन, चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद का पूरा मामला है जहां पर 2 साल पहले आरोपी ने एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, जिसके बाद अब 2 साल बाद इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो ऐसे में बता दें कि मामले में न्यायालय में 11 गवाहों ने गवाही दी थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है। उनके करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने अपने बजाय एक सिख को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया है। इससे पहले बता दें शनिवार देर रात राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ बैठक की थी। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अंबिका को CM बनाने की चाहत रखने वाली कांग्रेस इनकार के बाद अब प्रताप सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह रंधावा और रवनीत सिंह बिट्टू समेत अन्य नामों पर विचार कर रही है। इससे पहले पार्टी ने सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व उनके नाम पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देर रात तक एक बैठक की, जिसमें पार्टी नेता अंबिका सोनी, महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। इस बैठक के मध्यरात्रि के बाद समाप्त हुई और ऐसे में
सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री पर चर्चा इस बैठक में की गई और अमरिंदर सिंह को शांत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अंबिका सोनी पंजाब की रहने वाली हैं, इसीलिए पार्टी नेतृत्व चाहता था कि चुनाव होने तक वो मुख्यमंत्री बनी रहे। ऐसे में सूत्रों ने कहा कि पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए चुनाव से पहले एक गैर सिख चेहरा पेश करना चाहती है जो राज्य में मजबूत हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।